मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किसी भी मामले में ले जाने पर लोग क्यों डरते हैं या कितना खर्चा लगता है, इस बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। वीडियो महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक देखें, चैनल से जुड़े रहिए। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा लें, जिससे आने वाले नए नए वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब मैं विषय पर आता हूं। जैसा आप सब जानते हैं कि जो भी छोटे मोटे अपराध होते हैं या छोटे मोटे सिविल केसेस होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट तक चलते हैं। इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आर्टिकल 226 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रिट वगैरह में अपने फंडामेंटल राइट का हनन होने पर आप राज्य के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत आप हर छोटे मोटे मामले को नहीं ले जा सकते। इसकी क्या व्यवस्था है, जैसी मैंने अभी बताया, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के यहाँ जो मामले हैं इनमें मैंने अलग से वीडियो बनाए हुए हैं। जिला न्यायालय के समक्ष सिविल केसेस रहते हैं, जिला न्यायाधीश के रूप में सुनवाई जुडिशियल साइड से होती है। सिविल जज क्लास 2 से लेकर सिविल जज क्लास 1, सीजेएम, एडीजे, डीजे और क्रिमिनल में जेएमएफसी लेके सीजेएम तथा एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज सुनवाई करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का या संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर आर्टिकल 226 के तहत राज्य के उच्च न्यायालय में आप जा सकते हैं। 5 तरह की रिट्स हैं, इस पर भी मैंने वीडियो डाले हुए हैं। और आर्टिकल 32 के तहत सीधे आप जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जाते हैं, किसी फंडामेंटल राइट का जब आपके हनन होता है, अधिकार के हनन के लिए वहां उपचार उपलब्ध है। वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी, ऐसा कहा गया है। तो इस वीडियो में मेरे मुख्य कहने का अभिप्राय यह है कि आप सीधे यदि माननीय उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय जाते हैं तो काफी खर्चा भी लगता है। इसके लिए अलग से लीगल साइड में व्यवस्था सरकार ने की हुई है, जो उस क्राइटेरिया में आते हैं उनके लिए राज्य स्तर पर, जिले स्तर पर तथा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भी जिला विधिक प्राधिकरण नालसा वगैरह बने हुए हैं उस एक्ट के तहत। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब भी आपके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है आप सीधे उच्च न्यायालय के समक्ष सबसे पहले जाते हैं। और उच्चतम न्यायालय के समक्ष यदि आप जाते हैं आर्टिकल 32 के तहत तो वो यही कहा जाता है कि आप पहले नीचे के आपने अपने अधिकारों का को अवेल क्यों नहीं किया, नीचे के न्यायालय से क्यों सहायता के लिए आपने अनुमोदन अनुतोष नहीं पाने के लिए आवेदन क्यों नहीं लगाया। तो इस वीडियो में वहां पर आप जैसा जानते हैं मैंने एओआर का भी बनाया हुआ है, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड होते हैं जिनके थ्रू फाइलिंग वगैरह होती है। अब जहां तक फीस का प्रश्न है ये भी मैंने अलग से वीडियो बनाए हुए हैं, फीस का कोई निश्चित क्राइटेरिया नहीं है। जैसी भी आपके बातचीत से फीस तय हो जाती है, खर्चे अलग से लगते हैं, तो उस आधार पर ये सब चलता है। और जब भी आप उसमें जाते हैं केस फाइल करने के लिए तो आर्टिकल 145 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने में ही कानून बनाता है, उसकी व्याख्या करता है। 2013 में एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड के बारे में भी व्यवस्था दी गई है। ये काफी टफ एग्जाम होता है एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड का, और यही लोग केसेस वगैरह फाइल करते हैं। खर्चा अलग से लेते हैं, सरकारी वकील हो सकते हैं, प्राइवेट भी आप रख सकते हैं और नालसा के थ्रू भी आप ले सकते हैं अगर उस क्राइटेरिया में आते हैं। तो सबसे पहला ये सवाल है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन राइट के इन्फ्रिंजमेंट के लिए जा सकते हैं। बिल्कुल हाँ, आप जा सकते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय सीधे भी जा सकते हैं। और प्रॉपर्टी या मर्डर वगैरह जैसे ऑफेंसेस के लिए हर राज्य में हाईकोर्ट बने हैं जिनमें आर्टिकल 226 के तहत आप जा सकते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो है वो गार्जियन है कॉन्स्टिट्यूशन का, डेमोक्रेसी में ये संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बनाई गई है। द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अर्थात माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया जो वर्डिक्ट है वो सभी न्यायालयों पर, देश के व्यवस्था पर लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट पे इतना समय नहीं है कि वो फालतू केसेस को, हर एक केस को सुने, इसलिए नीचे की जो व्यवस्था दी गई है डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की, हाईकोर्ट की, ये इसीलिए बनाई गई है कि छोटे मोटे मामलों में जो वैधानिक प्रावधान है उसके तहत आप वहां उपचार प्राप्त कर सकते। और फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होने पर आर्टिकल 226 और आर्टिकल 32 के तहत माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय आप जा सकते हैं। रिट्स मैंने अलग से कुछ वीडियो बनाए हुए हैं। तो जो मेरा इस समय कहने का सवाल है, इसमें रूल्स बने हुए हैं उनके, और रूल्स के तहत सुप्रीम कोर्ट आपको जाने के लिए जो व्यवस्था है वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के थ्रू जाना होगा।
सीनियर आप एडवोकेट खड़ा करते हैं तो उसमें फीस केस में अधिक लगेगी, और राइट टू फाइल ए केस इन सुप्रीम कोर्ट कुछ संवैधानिक जो अधिकार आपको दिए गए संविधान के तहत उनके उल्लंघन के लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। जहां तक खर्चे का प्रश्न है, ये वेरी करता है आपके एडवोकेट, उनका कितना नाम है, शोहरत है, उसके हिसाब से वो अपनी अलग अलग फीस लेते हैं। तो कुल मिलाकर केस फाइल करने के लिए आर्टिकल 145 के तहत, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आप अपने वकील से संपर्क कर लें, जो भी जिन्हें करेंगे, क्या वो फीस चार्ज करते हैं, कितना खर्चा लेते हैं, कितनी पेशियों के हिसाब से लेते हैं, या पूरे केस के डिस्पोजल करने का लेते हैं, ये सारी बात आप कर लें और इस हिसाब से आप अपने केस में वकील को चाहें, जैसी आपकी परिस्थिति हो, आर्थिक स्थिति हो, उसके आधार पर आप सहायता ले सकते हैं। मित्रों, वीडियो कैसा लगा, मैं छोटी छोटी जानकारियों को आपको इस चैनल पर सामाजिक आपके समाज के लोगों को ज्ञान के रूप में बताता आ रहा हूं। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपकी सहायता करने का प्रयास कर रहा हूं और इस चैनल को काफी भरपूर स्नेह मिला है। लगभग 30,000 मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मैं हृदय से सभी सब्सक्राइबर का तथा देखने वालों का तहे दिल से आभारी हूं, आभार व्यक्त करता हूं। चैनल से जुड़े रहिए, यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मित्रों दोस्तों को दीजिए। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आत्मीय मेरा आपका अभिनंदन है। और एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल है, कृपया उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसके भी वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद इस वीडियो में।